गाइस, अभी अभी ये आपने शॉर्ट क्लिप देखा और राफेल जेट फाइटर, उसके बारे में आपका क्या कहल है, इसके बारे में आपका कमेंट्स क्या है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सॉरी यार, मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी बोलता हूँ। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। हे, नमस्ते गाइस, एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल शशि फॉरेक्स। और इस वीडियो में मैं एक नया प्रोडक्ट लिया हूँ। एक वेबसाइट है lightinthebox.com, उसका पूरा वेबसाइट का डिटेल्स और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। सो इन लास्ट वीडियो में ऑलरेडी परचेज कपल ऑफ आइटम्स, और इस बार मैंने एक बहुत ही स्पेशल आइटम लिया है उस वेबसाइट से। उसको खाली मैंने कितना दिया, 3,500 इंडियन रुपीज़। सो मैंने एक राफेल जेट फाइटर प्लेन जो होता है ना, राफेल वाला, वो लिया हूँ। एकदम मस्त, बढ़िया है। सो एक्चुअली वो राफेल फाइटर जेट नहीं है, वो एक क्या कहते हैं उसको, एक ड्रोन है, ड्रोन और रैप्टर ड्रोन है। तो बहुत ही हल्की है, इसके अंदर चार क्या कहते हैं उसको, फैंस है, मतलब फ्लाई करने के लिए। तो इसमें कैमरा नहीं है, और बहुत ही हल्की सी, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गई तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि एकदम सॉफ्ट, हल्का सॉफ्ट फ्लेक्सिबल थर्मोकॉल से बनाया है। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसके अंदर एक बैटरी है, बैटरी पूरे चार्ज हो गए तो ये ड्रोन 15 मिनट तक चलती है। और इसका रिमोट जो है, ऑर्डिनरी रिमोट नहीं है, जो फ्लाइट में होता है ना, मतलब हेलीकॉप्टर में जो होता है, पायलट जो पकड़ता है, एक सिंगल कार का वो गियर रहता ना, उस टाइप का, क्या कहते हैं यार उसको, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट उसको क्या कहते हैं उसको, वो हैंडल रहता है, उससे आप आराम से ड्रोन को लेफ्ट राइट आगे नीचे ऊपर और डाउन आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको प्ले ड्रोन उड़ाने के लिए और खेलने के लिए। और मैंने पहले कहा बहुत ही सेफ है, किसी का आंख या किसी का हाथ काटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इसके पंखे जो है वो इसके ड्रोन के अंदर प्रोटेक्टेड है। इस ड्रोन को मैंने खाली 3,500 रुपीज़ दिया। मैंने एक बेसिक वाला लिया हूँ, एक ड्रोन आती है और एक रिमोट कंट्रोलर और एक बैटरी, एक ही बैटरी लिया हूँ। अगर आप चाहिए तो आप एक्स्ट्रा बैटरी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप 15 मिनट्स ड्रोन को आराम से खेलो। और ये ड्रोन स्टैंड स्टिल भी होती है और आपको सर्कुलेट भी करती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कैसे इसको रिमोट कंट्रोल से आप कंट्रोल कर सकते हो। और बहुत ही आसान है इसको उड़ाने के लिए, उतना डिफिकल्टी नहीं है। पहले मेरा ड्रोन लिया था ना, वो नॉर्मल ड्रोन, उसका वो दो हाथ का रिमोट था, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। एक ही हाथ में इसको आराम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कहीं भी अंदर, घर के अंदर, बाहर कहीं भी आप खेल सकते हैं। बहुत तेज़ हवा आए तो आप इसको नहीं खेल सकते हैं। दैट्स इट गाइस, इफ़ यू हैव इसका पूरा डिटेल्स, जैसा बाइंग लिंक और वेबसाइट का डिटेल्स मैंने लिंक में है, और उसका डिस्काउंट कूपन भी है, आप वहाँ से ले, आप उसको खरीद सकते हैं। सो दैट्स इट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज लेट मी नो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।